ख्वाब तू अफसोस ना कोई रहे, काम दुनिया का है कहना कहने दे कहती रहे। ना फिक्र कर तू उम्र की ना जिक्र इनके कहने का, दिल जमा तो सब जमा बिंदास बन के रहने का। रुख हवाओं का बदल दे क्यों हवा संग बहने का, उम्र भर कोशिश न की अफसोस क्यों ये सहने का। कर ले पूरे ख्वाब तू अफसोस ना कोई रहे, काम दुनिया का है कहना कहने दे कहती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूं, जो आप वीडियो पूरा देखते हैं देख रहे हैं, ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग खाली बैठे हुए हैं और बड़ा सोच रहे हैं लेटे लेटे या बैठे बैठे कि मुझे कुछ बड़ा करना है करना है करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लेटने बैठने से सोचने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ बड़ा करना भी पड़ेगा। अगर आप बड़ा करेंगे तभी आपके साथ कुछ बड़ा होगा और आप बड़ा अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको पूरा देखना है, ताकि अगर आप सोचते हैं तो सोच को रियल में बिल्ड कर सकें, उस मुकाम को पा सकें। जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कोई नया नया कॉलेज पास करके भी सोचता है कि मुझे अपना ही अभी नया बिजनेस चालू करना है, तो ये पूरा वीडियो उन्हीं आप सभी के लिए ही है। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हो पूरा लास्ट तक देखना। तो फिलहाल आज है हमारे साथ अजय सर। हेलो सर। हेलो। तो अजय सर जो है अजमेरा के सीईओ हैं। तो आज आपको ये पूरा डिटेल देने वाले हैं, कुछ बिजनेस टिप्स बताने वाले हैं और ये ऐसी ऐसी आपको बात बताने वाले हैं जो कि आपने आज तक ना तो सुना होगा ना तो इस चीज को समझा होगा। तो इसे कह सकते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो अजय जी एक छोटे लेवल से आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। इनके पास ऐसे ऐसे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं अपने बिजनेस करियर में कि आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि कभी आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों सोचते हैं तभी आपको मिलेगा। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों को एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि वो लोग बेड से खड़े होकर समझ लो एक आपके जैसे चेयर पे बैठ के एक मालिक बन जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये कुछ टिप्स। एक्चुअली क्या है सर, बिजनेस तो सब करना चाहते हैं लेकिन सीरियस जो बोलते ना कि मैं सीरियस हूँ, तो आपको सीरियस नहीं होना है, सीरियसली बिजनेस करना है। मतलब कहते हैं कि नहीं मैं बिजनेस में सीरियस हूँ, तो सीरियस होने का कहते तो हैं कि लेकिन लगते हैं खाली वो सीरियस, बाकी होते नहीं हैं। अब जैसे 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये लगा के उन्होंने बिजनेस किया है तो उनको ऐसा लगता है ठीक है ये साइड बिजनेस जैसा है। उसमें जो एक वो होनी चाहिए कि भाई मैं एक एक पॉइंट नोट करूंगा कि मेरा कोई सामान बिक रहा है तो कैसे बिक रहा है, मतलब सीरियसनेस जो होनी चाहिए ना वो नहीं होती है। सीरियसनेस का एग्जांपल आपको दूं तो आप अपने आईसीयू में पेशेंट होते हैं तो सीरियस वो होता है कि भाई उसकी एक एक चीज़ को नोटिस किया जाता है, मतलब मॉनिटरिंग किया जाता है, एक एक मूवमेंट को नोट किया जाता है, वो होता है सीरियस, उसको बोलते हैं सीरियसनेस। उसका बीपी कुछ कम नहीं हो जाए, उसकी पल्स कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाए, एक एक दवाई उसको जो दी जाती है वो नोट करी जाती है सब कुछ, उसका 5-5 6-6 डॉक्टर लगे रहते हैं, नर्सेस लगी रहती है, उसके बीच पूरी टीम लगी रहती है। आईसीयू में जब पेशेंट होता है वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है उसके, वो होती है सीरियसनेस सर। ऐसी सीरियसनेस बिजनेस में कोई दिखाता नहीं है। ठीक है बिक गया नहीं बिका उस क्यों कोई भी, हाँ अगर वो सीरियसनेस वो मतलब पॉइंट टेबल जो बननी चाहिए कि भाई किस कारण से बिका, किस कारण से कस्टमर खाली गया, क्या अपने पास कमी थी या क्या बिक रहा है या क्या नहीं बिक रहा है, वो चीज़ एक एक पॉइंट नोट होने चाहिए। आज अपन किसी भी दवाई की दुकान के ऊपर जाते हैं सर, तो आपने नोटिस किया होगा आप उससे दवाई की वो मांगते हैं कुछ कि ये मुझे कोई भी ये दवाई दे दो, तो वो निकाल के लाता है, जब उसके पास में वो आप देखें उसके ड्रॉअर पे लिखा रहता है REF ABC कौन कौन दवाई कहाँ कहाँ रखी हुई है, पूरा इतने सलीके से उसने सजाए हुए रखते हैं कि एक एक चीज़ उसको मालूम होती है, और एक रजिस्टर रखता है आपको दवाई देते टाइम, ध्यान रखिएगा वो स्ट्रिप जब निकाल के लाता है वो अगर लास्ट स्ट्रिप है तो वो नोट करता है उसके अंदर कि भाई ये दवाई ख़त्म हो गई आज इसको वापस ऑर्डर करना है या एक ही स्ट्रिप बची हुई है, तो वो होती है सीरियसनेस बिजनेस के अंदर सर। वो चीज़ लोगों के अंदर दिखाई नहीं देती है,
बिजनेस करना हर कोई चाहता है, सक्सेस पाना हर कोई चाहता है, कुर्सी हर कोई चाहता है कि मुझे भी कुर्सी मिले, लेकिन सर जो एक डेडिकेशन होना चाहिए काम के प्रति उनका, वो नहीं होता है। तो लोगों से इतनी गुजारिश है मेरी कि भाई आप कोई भी काम करें, बिजनेस कोई कपड़े का जरूरी नहीं है सर, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें सीरियस रहिए। बिल्कुल सर, ये मत सोचिए कि पैसे लगा के बैठ गए, एक 15 दिन बाद, एक महीने बाद बोले कोई सामान तो बिका ही नहीं, कोई कपड़ा तो बिका ही नहीं, बिल्कुल तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। बिल्कुल मैं देखता हूँ कई लोगों को, मेरे यहाँ से 50,000-100,000 रुपए का कपड़ा लेके जाते हैं, 30,000-40,000-50,000 का, और 10 दिन बाद वो कपड़ा उनके यहाँ पहुँचता है और 11वें दिन 12वें दिन मेरे पास फ़ोन आ जाता है, सर ये आइटम बिक नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? अरे 2 दिन हुए नहीं है आपको कपड़ा ला के रखे हुए और आप इस तरीके से ये करने लग गए हो। बिल्कुल सर, थिंकिंग है कुछ लोग की ऐसे कि पॉजिटिव अमीर बन जाएं, बिल्कुल वो नहीं हो सकता है। ऐसा देखा मैंने सर, मैंने भी काफी सारी ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये बिजनेस सही नहीं है, इस बिजनेस में मेरा लॉस हो गया है, आपने मेरा पैसा लगवा दिया है, आपकी वीडियो देख के मैं मतलब इतने घाटे में आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों देखो, सर ने एक बहुत ही अच्छी आपको बताई कि मेन चीज पैसा लगाना नहीं होता है, मेन चीज होता है कि आप कितने सीरियस होकर इस बिजनेस को कर रहे हो। जी, तो अगर आप सचमुच मतलब एक सीरियस होके अगर उस बिजनेस को आप सच में करते हो तो कभी भी आपको लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिजनेस आपका बहुत ही तेजी से डेवलप करेगा और आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमाओगे। लेकिन दोस्तों सबसे मेन होता है कि कोई भी चीज आपको ले जाते मानी रातों रात करोड़पति या लाखपति बिल्कुल भी नहीं बना सकती है। आपको कोई भी चीज, चाहे कपड़े की दुकान आप खोलते हैं, तो ये मत सोचिए कि आज मैं 10 लाख का काम करूंगा, ये सोचिए कि मैं कैसे आगे 10,000 का काम करूंगा, कैसे इस चीज को बेचूं, बिल्कुल कैसे सेल करूं। अगर मेरे पास एक कस्टमर भी दिन भर में आता है तो कस्टमर खाली नहीं जाए, क्योंकि आपके पास अगर दिन में 100 कस्टमर भी आ गए तो अगर 100 के 100 चले गए तो क्या फायदा होगा? मेन चीज देखिए, नफा नुकसान एक अलग चीज होती है, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो हो सकता है नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो। बिल्कुल, मतलब गिरना बुरी बात नहीं है, गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है सर, सबसे बड़ी बात ये है। नुकसान हो गया तो अरे क्यों हुआ नुकसान, उसकी मॉनिटरिंग कीजिए आप, किस कारण से नुकसान हुआ, आपने गलत चीज परचेज करी थी, आपने सही जगह दुकान नहीं खोली थी, बहुत से कारण होते हैं सर नुकसान होने के भी, तो वो चीज़ मॉनिटरिंग करनी होती है, वो चीज़ को अपने उसका एक्चुअल जो कारण होता है उसको पकड़ना होता है। लोग क्या होते हैं, नहीं ये नुकसान हो गया, ये धंधा अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर, जी एक तो जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कोई साइंटिस्ट अगर आविष्कार करता है तो एक ही बार में रिजल्ट नहीं लेके आता है, जैसे कि एक ही बार में उसने बल्ब बना दिया, एक ही बार में टेलीविजन बना दिया, एक ही बार में कैमरा बना दिया। सर ये जो बल्ब का आप बता रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिशन इनका नाम है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिनकी रोशनी में आज अपन बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। 9,999 बार फेल हुए थे सर, कितनी बार? 9,999 बार, 10,000वीं बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अगर वो यही चीज सोच लेते तो आज के अपने इस रोशनी में बैठे होते? बिल्कुल सर, सोच भी नहीं सकते थे। कितने पेटिशन, कितने उनके नाम वो हैं, वो जो उन्होंने आविष्कार किए हुए हैं, जो उनकी रॉयल्टी आज भी उनके खानदान को जाती रहती है। सर ये जो मीटर अपना बिजली कितनी वापरी है अपन ने, वो मीटर जो बनता है, कोई सोच भी सकता है कि बिजली को भी नापा जा सकता है? वो उनके नाम है, जो जनरेटर जो चलता है वो उनके नाम है सर। तो जो जो आदमी 9,999 बार फेल होके फिर 10,000वीं बार खड़ा होके एक आविष्कार करके दिखा दिया, उसका जब ये 9,999 बार फेल हो गया था तो उसकी जो लैब थी जहाँ पे वो जल गई थी सर, आग लग गई थी उसके अंदर, तो किसी ने रात को उसको उठाया, बोले थॉमस साहब उठिए, आपका वो लैब पूरा का पूरा जल गया है। तो जाके खड़े होके वहाँ मुस्कुरा रहे थे, देखते रहे उसको जल के, तो बोले आप मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ जल गया है? बोले मेरी पुरानी सारी गलतियां जल गई, कल से फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। बिल्कुल सर, ये होती है पॉजिटिवनेस। अभी आप हाल ही में भी कहीं जाने वाले हैं, वर्ल्ड फंक्शन में, क्यों सर? थाईलैंड जाने वाले हैं सर। तो थाईलैंड जाने वाले हैं, अभी आप नॉमिनी हैं हम अवार्ड के लिए, कंगना रानावत जी की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है, तो हो सकता है कि अगर दुआएं रही सब लोगों के साथ में तो जरूर जरूर हमें ही वो अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल सर, आपको ही मिलेगा। बिल्कुल, तो दोस्तों सोच सकते हैं कि सर का भी एक कपड़े का ही व्यापार है और ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मोर डिटेल्स, सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं और पर्सनली सूरत में आके हमारे सर से भी मिल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट या फिर और कोई चीज़ लगता है तो डायरेक्टली हमारे सर से आके मिलिए।
तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए और ये बिजनेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तो बिजनेस कर सकें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और इस चीज को समझने के लिए। और दोस्तों मैं आप इससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त फैमिली रिलेटिव में सेंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के इंस्पायर हो सकें और एक अपना बिजनेस चालू कर सकें। दोस्तों इस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। राह में रुक के दम ले लूँ ये मेरी आदत नहीं, और लौट के वापस चला आऊँ ये मेरी फितरत नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, फिर हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो।